नमस्कार दोस्तों, BCD टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। इस भाग में मैं आपको मोटो G4 प्लस का स्क्रैच टेस्ट, बेंड टेस्ट और वाटर रेजिस्टेंस टेस्ट दिखाने जा रहा हूँ। ये है मेरा मोटो G4 प्लस, जिसको कि मैंने अमेजन से खरीदा था। आप हमारी पुरानी वीडियो दोस्तों, तो इस फोन के बारे में लिंक यहाँ फ्लैश कर रहा था। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो टेस्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है स्क्रैच टेस्ट। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। अनबॉक्सिंग के दूसरे दिन ही इस फ़ोन पर खूब सारे स्क्रैच मार्क पड़ गए थे और आप देख सकते हो कि स्क्रैच मार्क काफ़ी बड़े थे। तो दोस्तों एक बार आप खुद ही देख लीजिए उस वीडियो को। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि फ़ोन को लिया हुए मुझे अभी एक दिन भी नहीं हुआ। अभी तो फिलहाल दोस्तों मैंने इस फ़ोन को बूट किया है, मैंने अभी तक इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो बनाई है और फिलहाल आप देख सकते हो कि फ़ोन की हालत देखोगे। अब देखो मैं इसका थोड़ा रब कर लेता हूँ और डिस्प्ले बंद कर देता हूँ तो आप हैरान हो जाओगे। इतना लंबा स्क्रैच ये देखो, इतना लंबा स्क्रैच, छोटे छिटपुट स्क्रैच यहाँ पर भी है दोस्तों। ये दिख रहा है ना स्क्रैच आपको, हद होगी दोस्तों। गोरिल्ला ग्लास 3 है इस मोटो G4 प्लस के अंदर और स्क्रैच उससे भी बड़े हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कह सकता हूँ करके कि, तो दोस्तों आपको यहाँ पर पता चल गया होगा कि मोटो G4 प्लस का जो डिस्प्ले है वो स्क्रैच रेजिस्टेंस नहीं है। हालांकि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की 3 की प्रोटेक्शन दे रखी है, पर तो फिलहाल मुझे डाउट है। और फिलहाल इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने दोस्तों एक प्लास्टिक का इस पर स्क्रीन गार्ड लगा दिया। इसकी जो कुल कीमत जो पे करनी पड़ी 200 रुपये, तो फिलहाल देख सकते कि मैंने एक प्लास्टिक का एक स्क्रीन गार्ड लगा रखा है। फुल डिस्प्ले प्रोटेक्शन वाला ये प्लास्टिक का स्क्रीन गार्ड है। तो दोस्तों आप भी इसी टाइप का स्क्रीन गार्ड लगा लीजिए, नहीं तो आपका डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रैच और लंबे लंबे स्क्रैच मार्क पड़ जाएंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट टेस्ट की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट टेस्ट में मैं इस फ़ोन का करने जा रहा हूँ बेंड टेस्ट। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं यहाँ से। तो फिलहाल तो दोस्तों बेंड तो हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, देखो सैग है पर दोस्तों टूटा नहीं दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हो कि प्रेसिंग के मार्क दिख रहे हैं। आप देख सकते हो कि प्रेस मैंने यहाँ पर कर रखा था, इसके मार्क हैं शायद, नहीं दोस्तों प्रेस के मार्क नहीं है। तो फिलहाल देख सकते हो कि दोस्तों ये फ़ोन बेंडिंग में, तो दोस्तों ये फ़ोन बेंडिंग में बेंड नहीं हुआ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ़ोन है। पर फिलहाल आप देख सकते हो कि सैग में काफ़ी लंबा सैग आ गया था। तो दोस्तों कट की आवाज़ आप सुन रहे हो, पर फिलहाल टूट नहीं रहा है। तो दोस्तों ये फ़ोन काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ़ोन है और फिलहाल ये बेंडिंग टेस्ट में तो होता हुआ पास नज़र आ रहा है। तो दोस्तों आइए अब इस फ़ोन का करते हैं वाटर रेजिस्टेंस टेस्ट। तो दोस्तों मैं साथ में घड़ी रख लेता हूँ, आप टाइम भी देख लीजिए साथ साथ में। और फिलहाल मैं इस फ़ोन को डालने जा रहा हूँ पानी के अंदर। पूरा डुबा देता हूँ दोस्तों फ़ोन पानी के अंदर। और फिलहाल 10:07 पर मैंने स्टार्ट किया है, मतलब इसको भी मान लेते हैं और 10:08 पर इसको निकाल लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि बबल्स आ रहे हैं और मतलब कि पानी इसके अंदर एंटर कर रहा है। स्पेशली देखा जाए तो जो 3.5 mm वाला जो सॉकेट है वहाँ से, और दोस्तों जो रिसीवर स्पीकर वाला पोर्शन है वहाँ से इसमें पानी एंटर करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अब स्टेबल हो चुका है मामला। और फिलहाल देख सकते हो दोस्तों डिस्प्ले चल रहा है, हालांकि इसको पता नहीं क्या हुआ है, ये डिस्प्ले क्यों चल रहा है। और दोस्तों देखते हैं टच चलता है कि नहीं चलता है। दोस्तों टच नहीं चलता। तो दोस्तों 1 मिनट से ज़्यादा हो चुका है, मैंने अभी तक वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं की। फिलहाल मैं इस फ़ोन को निकाल देता हूँ। और दोस्तों देख सकते हो कि फ़ोन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आई, पानी अभी भी इस फ़ोन के अंदर है। तो फिलहाल देख सकते हो कि दोस्तों बढ़िया चल रहा है, टच भी अच्छे से वर्क कर रहा है। और दोस्तों कह सकते हैं कि मोटो G4 प्लस वाटर रेजिस्टेंस डिवाइस। अब मैं हालांकि 100% नहीं कह सकता हूँ, कह रहे थे कई लोग कि इसमें नैनो कोटिंग हुई रखी है। तो फिलहाल देख सकते हो कि नैनो कोटिंग तो नहीं है, बैक पैनल पर तो स्पेशली नहीं है, और फ्रंट पर तो दोस्तों मैंने स्क्रीन गार्ड लगा दिया तो यहाँ पर आपको नैनो कोटिंग टाइप की कोई चीज़ दिखेगी नहीं। और फिलहाल एक बार ढक्कन निकाल कर देख लेते हैं। तो दोस्तों पीछे की तरफ तो पानी घुसा ही नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि आपका मोटो G4 प्लस, हालांकि मैं कहता हूँ वाटर रेजिस्टेंस 100% तो होगा नहीं, पर फिलहाल इतना है कि आपका फ़ोन अगर नॉर्मली पानी में गिर जाए तो ये बच जाएगा। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा है, एक बार बंद करके ऑन कर देख लेता हूँ।
और साथ में दोस्तों फिंगरप्रिंट स्कैनर को भी देख लेते हैं, तो दोस्तों ये भी वर्क कर रहा है। और दोस्तों कैमरे की बात करें तो दोस्तों कैमरा पीछे वाला भी वर्क कर रहा है और आगे वाला भी वर्क कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि मोटो G4 इस वाटर रेजिस्टेंस टेस्ट में या इस वाटर टेस्ट में पास होता हुआ नज़र आ रहा है। पानी तो घुसा है इसके अंदर, ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे, पानी घुसा है इस फ़ोन के अंदर, पर फिलहाल इतना नहीं घुसा करके कि ये फ़ोन को बर्बाद कर सके। तो फिलहाल दोस्तों अगर आपका फ़ोन अगर पानी में गिर जाए मोटो G4 प्लस, तो फिलहाल उतना ज़्यादा कोई इसमें असर होने वाला नहीं। अगर फिर भी दोस्तों मैं यहाँ पर आपसे अनुरोध करता हूँ, आप पावर बटन को ना छेड़ें और इसको उठा के अपने चावलों के डिब्बे में डाल दें या चाय पत्ती के डिब्बे में डाल दें। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने मोटो G4 प्लस को पानी से बचा सकते हैं। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि मोटो G4 प्लस इस वाटर टेस्ट में पास हो गया। तो दोस्तों फाइनली कंक्लूजन ये रहा कि स्क्रैच टेस्ट में तो दोस्तों मैंने किया ही नहीं, और फिलहाल मैं कह सकता हूँ करके इसका जो डिस्प्ले है वो स्क्रैच रेजिस्टेंस तो बिल्कुल भी नहीं है। आप इसके ऊपर कोई ना कोई स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा लें। और दूसरा टेस्ट बेंडिंग टेस्ट में दोस्तों ये फ़ोन पास हो गया, हालांकि बहुत ज़्यादा बेंड हो गया था, फिलहाल ये टूटा नहीं। और दोस्तों तीसरा जो वाटर टेस्ट किया दोस्तों, उस टेस्ट में दोस्तों ये मेरा फ़ोन चल रहा है, बढ़िया तरीके चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आई। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि मोटो G4 डिज़ाइन वाइज तो अच्छा है ये, और साथ ही में ये काफ़ी टफ फ़ोन है। तो दोस्तों इसी कंक्लूजन के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को समाप्त करने जा रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक कर दें। और दोस्तों साथ ही में आप इस वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी जान पाएं कि मोटो G4 स्ट्रेंथ में कितना तगड़ा है और ये पानी में ख़राब होगा कि नहीं होगा। और दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्रिप्शन लिंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों मेरी आगे आने वाली इसी टाइप की टेक्निकल वीडियोस, गैजेट्स रिव्यू और मोबाइल फोन रिव्यूज के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बाप रे, बहुत जोर दर्द कर रहा है, बाप रे। वो मर गया।